जय श्री महाकाल। आज भाद्रपद मास का ये अंतिम शनिवार मेला बड़ा धूमधाम से भव्य श्रृंगार हुआ है बाबा महाकाल जी के इस परिसर में, मंदिरों का और देवताओं का सबका। हजारों की संख्या में, मेरे ख्याल 35 से 40 हज़ार लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं और अभी तक ये देर रात तक जारी रहेगा सिलसिला। सबको भगवान के लिए, भगवान की तरफ से मंगल कामना सबको। जय शनिदेव, जय श्री महाकाल। आज भाद्रपद मास का ये अंतिम शनिवार मेला बड़ा धूमधाम से भव्य श्रृंगार हुआ है बाबा महाकाल जी के इस परिसर में, मंदिरों का और देवताओं का सबका। हजारों की संख्या में, मेरे ख्याल 35 से 40 हज़ार लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं और अभी तक ये देर रात तक जारी रहेगा सिलसिला। सबको भगवान के लिए, भगवान की तरफ से मंगल कामना सबको। जय शनिदेव। जय शनिदेव। भगवान शनिदेव की शिला के ऊपर अभी तेलाभिषेक चल रहा है, हजारों श्रद्धालु तेलाभिषेक कर चुके हैं और भगवान शनिदेव की मूर्ति के ऊपर जो कपड़ा इत्यादि चढ़ा के अपने शनि शांति के लिए हजारों श्रद्धालु जो हैं वो शनि शांति और ढहिया इत्यादि महादशा से छुटकारा पाने के लिए यहाँ दर्शन कर रहे हैं। रात्रि को महादीप माला होगी और उसमें भगवान शनिदेव को प्रसन्नता के लिए, सबके सृष्टि की क्षमता के लिए प्रार्थना की जाएगी। जय। यही है भारतीय संस्कृति की झलक, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल उस परिसर में आके सभी देवताओं का दर्शन करके स्नान ध्यान करके, और यही संस्कृति का हमारी का प्रतीक है। इसलिए सनातन नित्य है, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, यही सनातन है। सत्य सनातन सुंदर। आज ये भव्य फूलों का श्रृंगार यहाँ के स्थानीय निवासी श्री बलराज जी के द्वारा जो है वो बाबा महाकाल की चरणों में समर्पित किया है,
इसमें कला इसके जो कारीगर आए थे वो कलकत्ता और यूपी से आए थे, जिन्होंने बड़े दिल से भगवा महाकाल के इस परिसर को सजाया और देसी विदेशी फूलों से इसका श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल से बलराज जी के लिए हम मंगल कामना करते हैं। जय श्री महाकाल।